हाँ भाई, क्या क्या है? गोश्त के माँ पोटा कलीजी मुर्गी दाल माँस दाल चना अंडा उडाला दाल अंडा अंडा केमा करेला केमा करेला अंडा करेला नोर सरस हुआ। इंशाल्लाह कढ़ाइयाँ ही कढ़ाइयाँ बनती। भाई ये कौन सी कढ़ाई है, इसका जरा बताना। ये कलेजी की कढ़ाई है, ये वाली ये पोटे की कढ़ाई। ये किसका है? बड़े गोश्त का, जबरदस्त जबरदस्त। ये वाला ओए होए चिकन कढ़ाई बन रही। ये 300 रुपए की है। अरे वाह भाई, 300 रुपए में कढ़ाई मिलेगी। वाह, चिकन कढ़ाई मिल रही 300 रुपए में। वाह भाई वाह, सस्ता है, साफ सुथरा है। आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे इस तरह का टेस्ट आपको मिलेगा और इस तरह की क्वालिटी मिलेगी, जबकि यहीं करीब में बंस रोड और दूसरी जगहें भी हैं, लेकिन एक इसका मुंतरिक टेस्ट। तो भाई ये कोयले की अंगेठियाँ है ना, इस पर बन रही है भाई कराची की सबसे सस्ती कोयला कढ़ाई। आप बोलोगे सस्ती कितनी होगी भाई? कोयला कढ़ाई तकरीबन आपको चाहे वो चिकन में हो या मटर में हो 1500, 2000, 2500 से कम मिलती नहीं। नहीं भाई, हम आपको खिलाएंगे आज 300 रुपये में चिकन कढ़ाई। यकीन नहीं आ रहा ना, क्योंकि टिक्का नहीं आता आजकल, लेकिन हम आपको कढ़ाई खिलाएंगे जिसमें दो बंदे आराम से खाना खा लेते हैं। वो किस तरीके से और कैसे ख्याल आया, कहाँ पर ये मकाम है, पूरी तफसीलात देते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अलग का एक आधा किलो कढ़ाई लगाओ, दो 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 सौ वाला कलीजी लगाओ भाई। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह व बरकातहू। कैसे हैं भाई आप लोग? अल्लाह का शुक्र। ये बताओ ये किस जगह पर है आपकी कोयला कढ़ाई? ये वाली हम लोग है सिटी रेलवे कॉलोनी गेट नंबर 10। अच्छा माशाल्लाह, सुना बड़ी सस्ती कढ़ाई देते हो, क्या क्या होता है कढ़ाई? हमारे पास गोश्त होते हैं, केमो होते हैं, चने की दाल, माश की दाल, मुर्गी कलीजी, पोटा, अंडा कुटाला। अच्छा माशाल्लाह, इतनी सारी चीजें हैं। हाँ, इतना। तो ये अभी जैसे मुर्गी की कढ़ाई रखी हुई है, ये कितने की है? ये आपको ये सिंगल कढ़ाई ये 300 रुपए। ये 300 रुपए मिल जाती है? हाँ, ये 300। और उसके बराबर में ये क्या है? ये गोश्त का कढ़ाई है, 200 रुपए में। ओ जबरदस्त। हाँ। और उसके बराबर में ये क्या है? बस ये भी गोश है। गोश ये भी गोश है? हाँ, ये भी गोश है। ये कलेजी है, ये कलेजी है, ये कलेजी है। हाँ। ये बड़े का कलेजी है, ये बड़े का। कितने का है ये? ये भी 200 का। 200 रुपए का जी जी। तो माशाल्लाह कीमा भी 200 रुपए में मिल जाता है और चिकन 300 की आती है जी जी। चिकन सही है माशाल्लाह, दो बंदे आराम से खाते होंगे ना? आराम से, अभी थोड़ा गरीबी मरीबी बना सकते हैं तो फिर आराम से। और किस नाम से मशहूर है ये? मोहम्मद अली कढ़ाई। मोहम्मद अली कढ़ाई जी जी। अरे वाह भाई वाह, मोहम्मद अली कोयला। 35 साल से इधर काम कर। 35 साल हो गए। अच्छा भाई, तो ये हमारे लिए बन रहा है ये? जी, हमने क्या हमने बोला भाई, अंडा घोटाला और एक बोला है हमने इनको चिकन कढ़ाई 300 रुपए वाली। चलो भाई, ये आ गई चिकन कढ़ाई की बोटियाँ आ गई। एक आता है इसके अंदर जी, बड़ा सा पीस ड्रम स्टिक का, दिन तीन बुढ़िया पैसा, तीन पीस आ जाते हैं, तीन चार बोटी आ जाती है भाई, जबरदस्त। वाह भाई वाह, ये देखे भाई साथ में सारी लगी हुई है माशाल्लाह, ये सब काम चलता रहता है लगातार। और पीछे गर्मा गर्म रोटियां बन रही है, ये गर्म रोटी रह गई। अब क्या डालेगा इसमें? इसमें भी ये मिर्ची डालेगा। मिर्ची डल गई भाई इसके अंदर, ये मिर्ची डाल दिया। ये हरी मिर्ची आ गई भाई, कराची वाली मिर्ची ज्यादा पसंद करते हैं ना, स्पाइसी। ये ना इसके बाद ये हमारा अंडा घोटाला है, ये आपका आपका अंडा घोटाला है, ये वाला। अच्छा हमारा अंडा घोटाला, ये अभी अभी क्या क्या डाला है इसमें? ये इसमें हरी टमाटर डाला, सिर्फ टमाटर डाला और मिर्ची डाली बस। जी जी जी। अच्छा अच्छा, टमाटर और मिर्ची, ये अंडी मिर्ची आ गई भाई। अभी अंडा डालेगा भाई, देखिए अंडा घोटाला आ गया भाई। ये आपका टमाटर की ग्रेवी आ गई है, थोड़ा सा डाला। चलो भाई टमाटर भी डल गए, टमाटर भी डल गया। अभी इसको थोड़ा, चलो भाई ये क्या डाल रहा है? ये थोड़ा सा दही डाल, दही डाला है इसमें। वाह भाई वाह, ताकि इसका मजा सारा मजा पूरा सही से हो जाए। सारा मजा खट्टे में है ना? सारा मजा खट्टे में है जी जी। अच्छा भाई, सारा मजा खट्टे में है। ये अंडा घोटाला भी तैयार हो रहा है भाई, साथ साथ देखें भाई। ये ये कौन सा मसाला डाला है? लाल मसाला। अच्छा ये कढ़ाई मसाला है आपका स्पेशल? कढ़ाई का मसाला, ये नमक है, ये नमक आ गया, ये इसमें भी मसाला डल गया भाई। वाह, और ये थोड़ा सा गरम मसाला हो गया, ये थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया भाई। इस पर जीरा कुटा हुआ है? हाँ, जीरा कुटा हुआ, जीरा कुटा हुआ है भाई। ये अभी थोड़ा पकने दे। अच्छा देखिए, मोहम्मद अली कोयला कढ़ाई की मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन समझा दूँ। देखिए ये बैठने बैठने की जगह है, ये सामने ही है, पहले तो ये यहाँ पर लगाते थे। और लोकेशन थोड़ा समझा दूँ, देखिए ये रोड आ रहा है सामने, आपको जो है हैप्पी बैंक प्लाजा नज़र आ रहा होगा, रेलवे कॉलोनी वाला पुल। जैसे ही आप चढ़ेंगे या उतरेंगे तो ये कोने पे आपको जनरल स्टोर दिखेगा और बराबर में ये कढ़ाई वाले मौजूद है और रक्षा रक्षा भी खड़े हैं और ये बैठने की इनके पास मुकम्मल जो है जगह है। और ये देखें अभी लोग आना शुरू हो गए, थोड़ा जल्दी आ गए थे लेकिन अभी से लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा भाई, तो भाई फाइनली हमारी आ गई है चिकन कढ़ाई 300 रुपये वाली और अंडा घोटाला। अंडा घोटाला तो आपको 200 रुपये मिल जाता है, मगर भाई 300 रुपये में ये कढ़ाई नहीं मिलेगी आपको।
वाह भाई वाह, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई ये नासिर भाई हमारे साथ मौजूद है। नासिर भाई ने ये स्पॉट बताया है। बिल्कुल माशाल्लाह नासिर भाई, रश तो बड़ा है यार। रश अभी हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए, वैसे अच्छा रश होता है और रात देर तक चलता है। मैं जब आता था तो तनवीर भाई उनके वालिद साहब यहाँ पे मेकिंग करते थे, बनाते थे, तो उनके वालिद साहब माशाल्लाह हज पर गए हैं। अल्लाह उनका हज मुबारक करे और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोग भी कीजिएगा भाई। तो शुरू करें बस कढ़ाइयां, फिर बिस्मिल्लाह करें। भाई जा रहा है जर्मनी, जर्मनी के साथ साथ इटली, स्पेन और इसके साथ साथ पुर्तगाल, फ्रांस, ये मैं जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने वहाँ भी मिलना है मुझसे। हम गरीबों को भी ले जा वहाँ पे, हमें भी लेके जा। आमीन आमीन। चलो अच्छा भाई, देखिए कढ़ाई मसाले के लिहाज से तो गरे भी ठीक ठाक है और ये देखिए जायका सही है। बहुत मिलेगी यार। मैं कह रहा था ना कि भाई ये नींबू डाले भाई, ये नींबू भी डाल लेता हूँ। जरूरत नहीं पड़ेगी, खट्टापन है इसके अंदर, जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो डाल दिया फिर भी मैंने, लेकिन आप ट्राई करें भाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करें यार। बहुत मजेगी यार, क्योंकि इसका जो कंपेरिजन करोगे ना आप, जो कोयला कढ़ाई बनती है, हाँ इसमें टमाटर ज़्यादा है क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा बनानी है, बहुत खुश्क नहीं बना सकते, खुश नहीं बना सकते, लेकिन जायका बहुत अच्छा है, प्रॉपर मसाले महसूस होते हैं और लेग पीस है। लेग पीस के साथ इसके अलावा तीन से चार पीस है, तकरीबन तीन चार पीसेस आते हैं आपके पास, यानी दो बंदे हम आराम से खा सकते हैं इसमें, आराम से पेट भरेगा हमारा, पेट भर जाएगा, पेट भर। और थोड़ी सी चटपटी की कराची वालों के साल से जीरे की खुशबू अच्छी आती है यार, जीरे की खुशबू आ रही है ना आपको, गरम मसाला जरा उठाए जरा, फिर मैं एक निवाला और ले लूँ। आप लोग कहेंगे यार एक निवाला में कैसे बता सकते हैं यार, ये यार अब तो इधर आइए देखे भैया, देखे ये प्रॉपर तरीके से चिकन गली हुई है और जो कोयले की खुशबू आ रही है ना, जो कोयले पे पका है, ये कोयले पे पकने के बाद जो चीज़ में खुशबू आती है ना, उसकी बात ही कुछ और है। ये बात है। अच्छा थोड़ी सी मिर्च खाइए, मैंने भी थोड़ी सी स्पाइसी लग गई। अच्छा पानी लाओ भाई के लिए, मैंने पानी पड़ा हुआ है, मैं रायता लूँगा। लेकिन यार तनवीर भाई 300 रुपये हैं यार, देखें बात प्राइस पे आप ये करें। अब लोग अगर उसको प्राइस के लिहाज से बहुत आला, प्राइस से करें बात, शानदार, जानदार, मज़ेदार और जितने जानदार हैं सारे हैं। बहुत आइटम तो बहुत है कढ़ाइयों में इनके पास भी, तो हमने जो मंगाया था थोड़ा अलग किया था, थोड़ा अलग कर दिया ना कढ़ाई के साथ, चिकन कढ़ाई के साथ ये मंगा लिया हमने। अंडा घोटाला ये 200 रुपये का, ये भाई मान नहीं रहते हमारी बात। नहीं कुछ और कीमा मैं का नहीं है, पर अंडा घोटाला, अंडा घोटाला तो ये 200 रुपये का अंडा घोटाला आपको मिल जाता है 200 रुपये में, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। चले भाई बिस्मिल्लाह, इस पर भी बिस्मिल्लाह रहमान भाई। अंडा घोटाला सोचो है एक आम एवरेज है जो आपको जगह मिलता है, मगर भाई जो असली विनर है ना ये कढ़ाई 300 रुपये में, 300 रुपये में ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो इसकी लोकेशन समझा देता हूँ, सिटी स्टेशन आईआई चुरीगर पे बड़ा मशहूर है, वहाँ से थोड़ा सा आगे जब आप टूवर्ड्स जाते हैं टावर की तरफ, हबीब बैंक की बड़ी बिल्डिंग लंबी ऊंची, सबसे कराची की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहलाती थी पहले, और वहाँ से उल्टे आते हैं एक कट जा रहा है, यहाँ पर एक पुल आएगा, तो पुल जैसे उतरेंगे बस वहीं पर आपको ये नजर आएंगे सारे लोग। बस हाँ बिल्कुल, दीवार के साथ ही लगे हुए ना यार, कढ़ाइयाँ बन रही है, बड़े में मिल जाएंगे। मोहम्मद, मैंने नाम नहीं बताया था, दोबारा बता दूं, मोहम्मद अली कोयला कढ़ाई, कोयला कढ़ाई के नाम से मशहूर, नाम बड़ा अच्छा है, बड़ा मशहूर है और कढ़ाई भी बड़ी जबरदस्त है। और बाबा सुना है, बाबा भी बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वो मिले नहीं हमसे, उमले पे आज पे गए बाबा, दुआ कीजिएगा। अच्छा हम तो जब खा रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जी जी पूछे तनवीर भाई, आपने 300 वाली एक और बनाई थी, हाँ हाँ मैंने नहीं बनाई थी, तो उसका जायका अच्छा है या इसका जायका अच्छा है? अच्छा वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जायका अच्छा है, वजह ये कि वो ज़्यादा टमाटरों का पेस्ट जो था ना उसमें बहुत ज़्यादा था, वो ज़्यादा था, इसके अंदर मिर्चें वगैरह मतलब जीरा बैलेंस कर, हाँ इसको इन्होंने बैलेंस करने के लिए ना उसमें ज़्यादा चीज़ें डाल दी, लग रहा है कि मुर्गी और टमाटर मिला दिए, हाँ वहाँ मुर्गी का, लेकिन वो बेहतर थी 300 रुपये में, वो भी बहुत बेहतर थी। लेकिन यार अभी ये खाइए ना, तो इसको मैं ऐसा कह लेते हैं एक रैंक ऊपर कर देता हूँ, एक लेवल ऊपर कर देता हूँ, तो ये 300 रुपये में बेस्ट है, मतलब कूटा हुआ धनिया है इसके अंदर, जीरा है, अच्छा मसाले जा रहे हैं। तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात होती है, आपसे मुलाकात पाकिस्तान में भी होती है और जो यूरोप में इंशाल्लाह उनसे भी जल्द मुलाकात होती है। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।